हैप्पी दिवाली। तो आज दिवाली है और हम जा रहे हैं नवेड़ा। नवेड़ा हम जा रहे हैं नोएडा अपने भैया के यहाँ पर। मम्मी पापा भी वहीं पर आए हुए हैं, तो पूरी फैमिली मिलके वही दिवाली मनाएगी। इस बार आई एम मिसिंग टीकमगढ़ बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने सालों से हम लोग सिर्फ टीकमगढ़ में ही मनाते आए हैं दिवाली। इस बार बहुत नया नया सा लग रहा है एंड आई लिटरली मिसिंग टीकमगढ़, क्योंकि वहाँ पे जो हम इस टाइम पे जो हवा मिस कर रहे हैं ना, एकदम ठंडी ठंडी हवा, ग्रीन ग्रीन वादियाँ अपने घर के बगल वाली, वो आप मिस कर रहे हैं। टूटते फूटते लटकते फटकते कहीं ना कहीं से हम बहुत अच्छी जाते थे। मनाएंगे तो हम नहीं गए, तो इस बार यही की होने वाली है दिवाली। देखते हैं कैसी रहती है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पटाखे आराम से चलाइए। हाँ। ताकि वैसे तो पता नहीं दिल्ली वालों तो चला नहीं पाएंगे बेचारे। दिल्ली में बैन है, बट फिर भी वी विल सेलिब्रेट समथिंग। कुछ तो पटाखे जरूर चलाएंगे, ये हमारा हक है, तो थोड़े चलाएंगे छुरछुरी वगैरह। बट इस बार हमें जो पॉल्यूशन वाली हवा नेक्स्ट डे जो हमें टीकमगढ़ में नहीं मिलती थी, वो यहाँ मिलेगी हमें। चलो गाइस मिलते हैं नवेड़ा में। सुबह सब हम लोग जा रहे हैं ऊपर और गाड़ी वाड़ी सब लगा दिया है। आवाज करो करो माल की। ये देखो भाई, एक दिन के लिए इतना बड़ा सूट खरीद लिया है। तो सर मेरा है क्या कपड़ा इसमें? आपका नहीं है, निकाल दो बाहर। निकाल दो मेरा वो कपड़ा नहीं है भाई। हाँ तो फिर कपड़े के रहने वाले होंगे, सोच रही नहाएंगे भी नहीं, कपड़े भी नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कपड़े है ही नहीं। हम क्या वो आदिमानव वाली स्टाइल में रहेंगे। ये है ध्वनि, बताओ बेटा कोई बढ़िया सी ध्वनि सुनाओ। क्या सुनाओगे? गाइस 5 बज चुका है और थोड़ी देर में पूजा पाठ स्टार्ट होगा और यहाँ पर घर की बहुएं चित्रकारी कर रही है। क्यों? आप क्या कर रहे हो? ये छोटी बहू इधर बना रही है और इधर ये बड़ी बहू बैठी हुई है। क्या बना रही हैं आप? और जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी बनेगी उसको स्टार देंगे। नाम क्या है प्राइस का? क्या बनेगा? ये सात देंगे प्राइस। नहीं 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 हम कुछ नहीं देंगे। ये झूठे 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 काबिल बहुए ढूंढी है तो वो बना रही है अपने। तो प्राइस नहीं दोगे क्या काबिल बहुए? पर यहाँ चल रही है पूजा की तैयारी। पिताजी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, भगवान बाहर होकर बैठ गए हैं। तैयारी के लिए आ रही है, दिए तैयार हो गए हैं, भगवान जी भी तैयार हैं। कितने बजे का मौसम? कितने बजे का मौसम? क्या हो रहा भाई इधर? काम हो रहा है, आप आराम करो। बहू नंबर टू आटा गूंथ रही है, खाना बन रहा है, यहाँ बन रही है सब्जी। और ये है बहू नंबर 1, मटन वाली भाई वो
कुछ नहीं सीखा। क्या सीखा है आपने? सोना कराटे मार के तो सब लोग अपने अपने घर के बर्तन धोइए, उससे लक्ष्मी जी की कृपा आती है, ऐसा भी ज्ञान दिया गया है। ये लड़की दिन भर से स्लेट चला रही है, जब से इसको स्लेट मिली है। नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ी सी रेस्ट भी करी थी। हाँ रेस्ट करी थी, थोड़ा सा इसने रेस्ट किया है और ये पगला गई है एकदम, स्लेट तब से इसको मिली है। छोटी बहू पता नहीं इनकी तैयारी नहीं हो पाई है। बड़ी बहू आपके क्या हाल है? आप क्या पहने हो? आप अपने आप फोटो दिखाओ। मैंने पहन रखा है धोती कुर्ता। पूजा अभी कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग पटाखे फोड़ने और भाई बहुत भयंकर प्रदूषण है। तो भाई इतना गजब प्रदूषण है, पहली बार हम लोग इतना प्रदूषण यहाँ फील कर रहे हैं। हम पहली बार यहाँ पे दिवाली मनाने आए हैं। फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है? चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट।